फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को भी जानते हैं कि कंपनीज एक्ट में, ये विशेष रूप से याद रखोगे ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं आपसे, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो याद रखने में मजा नहीं आता है। कंपनीज एक्ट में सैकड़ों ऐसे प्रावधान थे जिसमें छोटी छोटी गलतियों के लिए क्रिमिनल एक्शन की व्यवस्था थी। और मुझे मालूम है ये आपके लिए कितना परेशानी का कारण था। हमारी सरकार ने इसमें से अनेक प्रावधानों को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ये तालियों में दम नहीं है, इसका कारण यह है पहले ताली कम थी उसका कारण था आपको जानकारी नहीं थी, और ताली ज्यादा है तब भी आपको मालूम नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। ये निर्णय छोटे नहीं है जी, बहुत बड़े हैं, और जिन्होंने इसको भुगता है ना उनको पता है कि एक दरोगा आकर के जब रात को घर से ले गया होगा और बाद में पता चले यार इतनी छोटी सी मेरी गलती से ये हो गया, ये सारे संकटों से मुक्ति दिलाने का मैंने अभियान छेड़ा हुआ है जी। और इसलिए हमको कभी सुनना पड़ता है हम आपके एजेंट है, हम एजेंट है 130 करोड़ देशवासियों के भविष्य के। कई और प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की प्रक्रिया मैंने अभी बंद नहीं की है, अभी भी जारी है और आपके भी ध्यान में है, एसोचैम के ध्यान में है, आप बिना समय बिताए जरूर मेरे ध्यान में लाइए। इसी तरह हमारी सरकार इन्वर्टेड ड्यूटी खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पिछले वर्षों में आए बजट में इसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है और इसकी वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर होने वाला खर्च धीरे धीरे कम होता जा रहा है।